यमुनानगर से सटी उत्तर प्रदेश की सीमा से कई बार लोग हरियाणा की सीमा के अंदर भी प्रवेश कर यहां पर खनन कर फरार हो जाते हैं और अक्सर खनन माफिया द्वारा अधिकारियों पर हमले के मामले भी सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, साथ ही यमुनानगर प्रशासन अब अवैध खनन करने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती करते हुए दिखाई देगा। जो खनन माफिया अक्सर अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते थे, अब उन पर ड्रोन कैमरे की नजर रहेगी। जहां जहां पर खनन माफिया अवैध खनन करने की कोशिश करेंगे, वहीं ड्रोन कैमरे की फुटेज की मदद से उन्हें पकड़ लिया जाएगा, जिससे अवैध खनन में कमी आएगी। इस मामले की जानकारी देते हुए यमुनानगर के एसीपी कुलदीप यादव ने बताया कि यमुनानगर से सटे उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के डीएम एसएसपी खनन विभाग के अधिकारी और हमारे भी संबंधित विभागों के लोग भी मीटिंग में थे, जिन्होंने कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया। सिंचाई विभाग के लोग भी ड्रोन से नजर रख रहे हैं कि कहीं अवैध खनन तो नहीं हो रहा। सीमा पर हो रहे अवैध खनन को लेकर यमुनानगर प्रशासन और सहारनपुर प्रशासन के बीच जो बैठक हुई है, इसमें ये निर्णय लिया गया है कि अगर दोनों प्रशासन की ज्वाइंट रेड की आवश्यकता हुई तो मिलकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरफ से आपसी तालमेल रहे, इसी उपदेश के साथ ये मीटिंग की गई थी। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के भी सभी डिपार्टमेंट के लोग थे और वहाँ पर जो है हमने विजिट भी की है और कुछ पॉइंट्स थे जिनको क्लियर करना था, वो सारे क्लियर हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है यमुनानगर के एसीपी कुलदीप यादव का। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी .com को लाइक कीजिए और अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी .com को सब्सक्राइब कीजिए। दीप शर्मा के साथ सनी कुशी की रिपोर्ट।